हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो? तो उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे प्यारे बच्चों। अगर आप भी कक्षा नौवीं में स्टडी कर रहे हैं प्यारे बच्चों, और आपका भी है ना 29 नवंबर के आपका सेकेंड टर्मिनल एग्जाम होने जा रहा है, तो यहाँ देख सकते हैं मेरे पास गणित का ओरिजिनल प्रश्न पत्र आ चुका है और इस वीडियो में इसका आंसर की कराने जा रहे हैं। सब्जेक्टिव विथ ऑब्जेक्टिव दोनों इस वीडियो में आपको करा देंगे, ठीक है? तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसी तरह का आपको पेपर में देखने को मिलेगा और आपको है ना परीक्षा में यही सही लिखा रहेगा, ठीक है? कि कक्षा नौवीं द्वितीय शादी परीक्षा नवंबर और गणित यहाँ पर लिखा रहेगा, यहाँ पर जो ना अनिवार्य लिखा रहेगा गणित, ठीक है? तो चलिए हम डेढ़ घंटा का आपको समय दिया जाएगा और 50 मार्क्स का पूर्णांक रहेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर 1 से लेकर 30 प्रश्न दिया हुआ जिनमें आपको 25 प्रश्न का उत्तर देना है, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? तो आप लोग जानते हैं कि जो रूट से बाहर निकलता है वो परिमेय संख्या कहलाता है। तो एक का राइट आंसर यानी कि जो रूट से बाहर निकलता है वो क्या कहलाता है? तो परिमेय कहलाता है। तो एक का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है? सभी विद्यार्थी नोट करेंगे एक का राइट आंसर ऑप्शन बी। चलिए दोनों प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या का उदाहरण है? तो अपरिमेय वैसी संख्या कहते हैं जो रूट से बाहर नहीं निकलता वो अपरिमेय कहलाता है। तो याद रखिएगा दो का राइट आंसर क्या होगा? तो ये देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, ठीक है? तो सभी विद्यार्थी नोट करेंगे दो का राइट आंसर ऑप्शन डी। चलिए तो तीन नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, कहता है कि रूट फाइव माइनस रूट थ्री और इंटू में दिया हुआ कि रूट फाइव प्लस रूट थ्री। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी का फॉर्मूला लाएंगे, इसका मान निकालेंगे। तो तीन का राइट आंसर नोट कीजिएगा ऑप्शन नंबर बी सी होगा राइट आंसर, ठीक है? तीन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, देख लीजिए, कहता है कि रूट टू प्लस रूट थ्री का स्क्वायर दिया हुआ, ठीक है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे तो इसका आंसर देखेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? तो तीन का राइट आंसर हो गया, चार का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी हुआ, ठीक है? पाँच प्लस टू रूट सिक्स हो जाए, ठीक है? याद रखिए ऑप्शन बी। चलिए पाँच नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, देख लीजिए, कहता है कि रूट थ्री माइनस वन और बट्टा में रूट थ्री प्लस वन, इसका परिमेयीकरण करना है प्यारे बच्चों। तो याद रखिएगा इसका आंसर जो ना क्या होगा? तो पाँच का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है? याद रखिए ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। छः नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ देख लीजिए, कहता है कि 16√6 प्लस में 4√3 का मान क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि इसका आंसर जो हम निकालेंगे तो इसको जोड़ेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए तो इसका आंसर जो है ना 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न यहां पर दिया हुआ देख लीजिए, कहता है पाई एक्स प्लस वाई बराबर 29 और एक्स बराबर 7 और पाई का मान 22 दिया हुआ, 22/7। तो वाई का मान क्या होगा? तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें जो है ना एक्स का मान रखेंगे 7 और पाई का मान रखेंगे 22/7, और इसका मान जब निकालेंगे तो याद रखिएगा इसका आंसर जो है ना क्या होगा? तो इसका आंसर 7 निकल जाएगा, ठीक है? कितना निकल जाएगा? 7, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहता है कि एक्स माइनस 2y बराबर 4 दिया हुआ, तो हल कीजिए। तो यानी कि इसमें से कोई एक मान रखेंगे और x का मान मान लीजिए इधर वाला है तो x का मान हुआ और इधर वाला y का मान होता, ठीक है? तो इसमें से हम ये रखेंगे आंसर तो ये बराबर 4 के बराबर आ जाएगा, तो ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर, ठीक है? तो 8 का नोट करेंगे सभी विद्यार्थी ऑप्शन यानी कि सी। 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहता है कि समीकरण कि 3x माइनस के बराबर 2y, तो x और y का मान क्रमशः इतना दिया हुआ, ठीक है? तो k का मान क्या होगा? तो x और y के जगह पर इतना मान रखेंगे, x का मान 3 रखेंगे और y का मान 2 रखेंगे तो k का मान निकल जाएगा, ठीक है? तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नहीं क्या होगा? तो बी होगा राइट आंसर, ठीक है? 10 नंबर प्यारे बच्चों देख लीजिए, कहता है कि इतना का जो मान है ना माइनस ओ एक कॉमा जीरो जो ना किस में स्थित है, किस बिंदु पर स्थित है, किस पॉइंट पर स्थित है? तो ए एक्स अक्ष पर स्थित होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। सभी विद्यार्थी नोट करेंगे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बाबू, यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि माइनस दो कॉमा माइनस तीन जो ना किस में स्थित है? तो याद रखिए ये माइनस दो माइनस तीन जो ना हम लोग जो ना प्लस प्लस प्रथम पर होता है, माइनस प्लस द्वितीय पर होता है, तृतीय पर माइनस माइनस होता है, तृतीय पर माइनस माइनस, ऑप्शन यानी कि कहाँ जाएगा? तो सी का जाएगा राइट आंसर, ठीक है? तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी। 12 नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, कहता है कि एक ही आधार तथा एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज होते हैं, ठीक है? तो याद रखिएगा वो किसका होता है? तो क्षेत्रफल के बराबर होता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे बच्चों, कहता है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में ए ई लंब है डी सी के, तो ए सी एफ लंब है ए डी के, तो कहता है ए बी बराबर इतना है, ए ई का मान इतना है, तो क्या होगा? ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि आप पूछ रहा है सी एफ का मान इतना है तो ए डी का मान यहाँ पर पूछा है, ठीक है? तो 13 का राइट आंसर नोट करेंगे ऑप्शन यानी कि ए होगा राइट आंसर, ठीक है? 1.28 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है?
14 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ प्यारे बच्चों, देख लीजिए कहता है कि 4x² - 9 = 0 के शून्य हो गया, तो जिसका इसको हम हल करेंगे ना तो कितना आ जाएगा, तो +-√3 + -3/2 आ जाएगा, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लीजिए कहता है कि यदि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः इतना है और इतना है, ठीक है, तो इसके क्षेत्रफल का मान कितना होगा, तो जिसके जब इसका फॉर्मूला लगाएंगे प्यारे बच्चों तो 192 वर्ग सेंटीमीटर निकल जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहता है कि वृत्त की सबसे लंबी जीवा कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो 16 का राइट आंसर याद रखें व्यास कहलाती है, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 17 नंबर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ कहता है किसी वृत्त की चाप तथा उसके संगत जीवाओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो 17 का राइट आंसर वृत्त खंड कहलाता है, ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए पहले जो 18वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 18वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ गौर से देखिए कहता है कि समीकरण 5x - 7y = 4, तो इसका हल होगा, तो इसका हल जब निकालेंगे तो पहले जो याद रखिएगा 18 का ए होगा यानी कि 5.3 हो निकलेगा। ठीक है, चलिए 19वां प्रश्न कहता है किसी वृत्त की चाप तथा संगत दोनों त्रिज्याओं से घिरा क्षेत्रफल क्या कहलाता है, तो त्रिज्या खंड कहलाता है, ऑप्शन यानी कि सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए कहता है कि x² + 7x + 12, ठीक है, x² + 7x + 12, ठीक है, इसका हम गुणनखंड तोड़ेंगे। ठीक है, तो गुना करने पर 12 आना चाहिए, जोड़ने करने पर 5 आना है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन क्या होगा, तो सी होगा राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, 4×3=12, हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हुआ राइट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 21वां प्रश्न यहाँ दिया हुआ कहता है कि किसी वृत्त की जीवा तथा त्रिज्या की लंबाई क्रमशः 16 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उसके केंद्र की जीवा का लंबाई की दूरी कितना होगा, तो 21 का राइट आंसर याद रखिएगा पैर बच्चों कि 21 का राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ राइट। ठीक है, 21 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी यानी कि 6 निकल जाए। ठीक है, चलिए 22वां प्रश्न कहता है घन के किनारों का संख्या कितना होता है, तो घन के किनारों की संख्या 12 होता है, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, सभी विद्यार्थी नोट करेंगे ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते कहता है कि यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2, 3 और 4 दिया हुआ, ठीक है, तो इसका आयतन कितना होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर निकालेंगे, तो इसका आंसर निकल जाएगा 20 कितना होगा, 23 का, हाँ 24 का निकलेगा, ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए 24वां प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है यदि घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं घन, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 25वां प्रश्न देख लिए कहता है कि 6 सेंटीमीटर किनारे वाले घन का आयतन क्या होता है, तो इसका आंसर आपको बताएं, तो 25 का राइट ऑप्शन डी होगा राइट, 216 घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से 25 प्रश्न के लिए, इसका पूरा का 30 में 30 अगर आपको चाहिए तो मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले आपको सब्जेक्टिव की तरफ ले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से सब्जेक्टिव दिया गया, गौर से देखते हैं, 1 से लेकर 10 प्रश्न दिया हुआ जिनमें 5 प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए, 2वां प्रश्न याद दिया हुआ है, 3वां प्रश्न याद दिया हुआ है, 4वां प्रश्न याद दिया हुआ है, 5वां प्रश्न याद दिया हुआ है, 6वां प्रश्न याद दिया हुआ है। ठीक है, आप इसे देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर 7वां नंबर यह हुआ, ठीक है, यहाँ पर 7वां नंबर, ठीक है, 7वां नंबर मिटा गया, कोई बात नहीं है, ठीक है, PDF खींचने में मिटा गया। ठीक है, तो 7वां प्रश्न याद दिया हुआ, 8वां प्रश्न यहाँ से देख लीजिए, नोट कर लिए, आगे मैं आंसर बताऊंगा। ठीक है, आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो कहता है घनाभ का एक घनाभ का आयतन निकाले जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इतना दिया हुआ। ठीक है, तो इसका आयतन निकालना है। ठीक है, 10वां प्रश्न याद दिया हुआ। ठीक है, देख लीजिए एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, तो 10वां प्रश्न यहाँ देख लीजिए, 11 से लेकर 15 तक में किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, तो 11वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया, गौर से देखिए, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, ये पूरा प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, देख लीजिए पूरा 15 प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, अब चलिए हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए कि एक का यहाँ पर जो ना आंसर दिया गया है, यहाँ से हल किया गया, अब यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, पूरा आंसर दिया गया। ठीक है, अब चलिए हम इसका आंसर पूरा जो ना आपको PDF के रूप में डाउनलोड करना सिखा देते हैं, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको गूगल में आना है, जो इस चैनल का नाम है सर्च कीजिएगा पॉइंट ऑफ स्टडी STM। ठीक है, पहला वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा pointofstudystm.com, इस पर आपको क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाए, नीचे बढ़ेंगे सभी जानकारी खुल जाए। ठीक है, और नीचे बढ़ेंगे और 9th वाले सेक्शन में आएंगे। ठीक है, कहाँ आएंगे, 9th वाले सेक्शन में। ठीक है, तो 9th वाले सेक्शन में आएंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि इंग्लिश, ऊपर इंग्लिश लिखा हुआ, नीचे मैथ लिखा हुआ है, तो मैथ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैथ का पेपर डाउनलोड करना था, मैथ पर क्लिक कीजिएगा, और इंग्लिश का डाउनलोड करना चाहते
तो वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो नीचे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए सभी जानकारी खुल जाए। ठीक है, और नीचे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखिए पूरा जो है जानकारी दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको देखना है तो मैं आपको बताया हूँ कि ऑब्जेक्टिव का बताऊँगा आंसर। तो यहाँ पर देखिए पूरा ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया गया है, पूरा देख लीजिए ऑब्जेक्टिव आंसर दिया गया है पूरा 30 में 30। और यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव का आंसर यहाँ से अपडेट किया गया है, देख सकते हैं। ठीक है, पूरा में सब्जेक्टिव का आंसर दिया गया है, यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ दिया गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ से बताया गया, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद 5 नंबर प्रश्न का जवाब यहाँ से बताया गया। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पर दिया हुआ। ठीक है, 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर प्रश्न का हल यहाँ पर किया गया। ठीक है, तो जितना आपको जरूरत था यहाँ पर पूरा हल कर दिया गया। ठीक है, डाउनलोड करने के लिए नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे, अगर आपको PDF के रूप में डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, PDF के रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर के लिए यहाँ पर क्लिक कीजिएगा और क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिएगा। प्यारे बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको जो भी दी जाती है वो 100% रियल दी जाती है, कोई फेक नहीं दिया जाता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों के पास, और फिर नेक्स्ट वीडियो में तक, उसको बहुत धन्यवाद।